जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान देखने मिलेगा। तो काफ़ी एक एक्शन भरा या फिर जहां पर काफ़ी उठा पटक देखी गई ऐसा सप्ताह हमने देखा है। काफ़ी खबरें फंडामेंटल साइड पर भी हमें दिखाई दी। तो अगर हम शुरुआत करें नॉन फार्म पेरोल डेटा से जो यूएस से आया था, वहाँ पर हमने काफ़ी बड़ा एक बिल्डअप आते हुए देखा। 372,000 जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, 270,000 की उम्मीद थी जॉब्स क्रिएट होने से। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेटा देखा गया था जो अमेरिका के लिए जॉब मार्केट के लिए काफ़ी एक अच्छा डेटा था। उसके बाद हमने इमिजिएटली जो एक दूसरा बड़ा पॉजिटिव डेटा देखा है डॉलर के लिए खास करके, वो देखा गया है महंगाई दर में जो बढ़ोतरी है वो उम्मीद से ज़्यादा देखी गई है। 8.8% ईयर ऑन ईयर की उम्मीद थी या 1.1% मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ की उम्मीद थी। वही जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है वो 9.1% देखने मिली है ईयर ओवर ईयर, यानी जो पिछला जून था 2021 का, उसके बाद जून 2022 में 9% से ज़्यादा की एक बढ़ोतरी हमने महंगाई दर में देखी है। और साथ ही जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ थी वो 1.3% देखी गई। ये हेडलाइन सीपीआई था, वहीं पर अगर कोर सीपीआई देखा जाए यूएस का, जहां पर जो वॉलेटाइल कमोडिटी जो काउंटर्स हैं जैसे फूड हो गया और दूसरा फ्यूल हो गया यानी तेल, क्योंकि उसके दाम काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, तो इनको अगर निकाल दिया जाए तो भी करीबन 5.9% की बढ़ोतरी देखी गई और यहाँ पर अनुमान जो था वो 6% का था। इस रिपोर्ट के बाद हमने खास करके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में डॉलर को, जो मेजर करेंसीज़ हैं जैसे यूरो है, पाउंड है या येन है, इनके अगेंस्ट काफ़ी बढ़ता हुआ देखा। यहाँ तक कि भारतीय रुपया भी जो था वो 80 के लेवल तक फिसल गया और हमने जो फ्यूचर्स मार्केट है उसे 80.1213 तक जाते हुए देखा। जो स्पॉट है वो 80 के ऊपर जाता हुआ दिखा, जो एक ऑल टाइम लो गिना जा सकता है रुपये के लिए या USDNR के लिए ऑल टाइम हाई हो सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर पे इस चीज़ का ये असर हुआ कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी डॉलर यूरो के मुकाबले पैरिटी टच कर गया, यानी एक डॉलर का भाव जो है वो एक यूरो के बराबर हो गया है। ये 20 सालों में पहली बार हुआ है। इस वजह से जो गोल्ड के दाम हैं हमने लगातार गिरते हुए देखे और हमने पिछले हफ्ते जो $1720 की बात की थी वो तो हासिल हो ही गया, लेकिन साप्ताहिक क्लोज भी जो है वो $1720 के नीचे आया है। इसका बड़ा कारण ये है कि महंगाई दर में इतनी जो ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 9% के ऊपर हो जाएगा, उस वजह से जो आने वाले 2 हफ्ते हैं जहाँ पर फेडरल रिज़र्व जो अमेरिकी सेंट्रल बैंक है उनकी मीटिंग जो होनी है उसमें कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं या कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि 100 बेसिस पॉइंट या 1% की बढ़ोतरी हो सकती है। जो रेंज अभी 1.5 से 1.75% है, फेड फंड रेट जिसे कहा जाता है, वहाँ की ब्याज दर जो है वो बढ़कर 2.5 से 2.75% होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि एक मीडियन एस्टिमेट जो पहले जताया जा रहा था वो 2.5% का था, यानी 0.75% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। उससे भी ज़्यादा फिलहाल मार्केट डिस्काउंट करना शुरू कर चुका है। इस वजह से हमने यूरो में तो फॉल देखा ही खास करके, और गोल्ड में भी हमने बिकवाली देखी, क्योंकि गोल्ड एक नॉन यील्डिंग एसेट है, यानी गोल्ड को अपने पास रखकर कोई ब्याज नहीं मिलता। जो दुनिया भर के देश हैं वहाँ पर इट्स ए नॉन यील्डिंग एसेट डॉलर टर्म्स का जो गोल्ड है, तो उस हिसाब से हमने स्पॉट गोल्ड को $1705 के आसपास क्लोज देते हुए देखा, जो काफ़ी कमज़ोर क्लोज है, 9 से 10 महीनों में सबसे वीक क्लोजिंग है। वहीं चांदी में भी हमने बड़ी गिरावट देखी, लगभग 23 महीनों के निचले स्तरों को छुआ है, $18 के करीब चांदी के लोज बनते हुए देखे। हालाँकि जो क्लोजिंग बेसिस था वो $18.6-$18.7 तक शॉर्ट कवरिंग देकर चांदी ने क्लोज दिया है। तो आने वाले सप्ताह में या शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या रुझान रहेगा, इसकी चर्चा करते हैं। गोल्ड में ऐसा लगता है कि जब तक $1745 के नीचे प्राइस रहेंगी तब तक उछाल देखने मिलेंगे, लेकिन ये उछाल जो होगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा, ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं आएगी और हमें $1685 तक के भी जाने की संभावना है, और वर्स्ट केस में $1660 से $1655 तक जाने की भी पॉसिबिलिटी है, जो भारतीय बाज़ारों में कहीं ना कहीं 49,000 के दाम दिखा सकता है, यानी 49,000 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं M6 की बात करें तो 51,200 के जब तक नीचे दाम रहेंगे तब तक उछाल पे बिकवाली की जा सकती है। इमीडिएट तौर पर 49,700 और उसके बाद 49,000 तक के भी लेवल
तक गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अगर 18.2 डॉलर्स के नीचे दाम डेली क्लोजिंग बेसिस देने में कामयाब होते हैं तो 17 डॉलर तक जाने की संभावना है। वहीं M6 पर यदि 54,500 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो 52,000 यानी 52,000 तक के भी लेवल हमें देखने मिलेंगे। पिछले 6 से 7 महीनों से लगातार हमने गिरावट देखी है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में पिछले 1 महीने में जो गिरावट है वो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने मिली है और फिलहाल ऐसा लगता है कि ये गिरावट जारी रहने के आसार बने हुए हैं। वहीं पर बेस मेटल्स में भी हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी, जहाँ पर कॉपर जो है उसने भी करीबन 16 महीने के नए लोज छूते हुए हमें देखने मिला है। 7,000 डॉलर के करीब LME पर आ चुका है कॉपर। M6 पर करीबन 601 के लोज बनते हुए देखे, हालांकि क्लोजिंग बेसिस 615 के ऊपर की क्लोज देने में कामयाब हुआ है M6 पर। ओवरऑल एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिख सकता है जो काफ़ी जल्द आ सकता है। जब गिरावट होती है मार्केट में तो शॉर्ट कवरिंग जल्दी से आती है, लेकिन उसके बाद उतना ही तेज़ी से हमें नए लोग भी बनते हुए देखते हैं। तो ये शॉर्ट कवरिंग हो सकता है आने वाले 2 या 3 सेशंस में प्राइजेस को 630 से 635 तक लेके जाए, लेकिन ओवरऑल जब तक 635 से 640 के नीचे दाम रहेंगे तब तक शॉर्ट टर्म बेसिस गिरावट के आसार बने रहेंगे। 601 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, जिसके बाद 592 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, यानी 592 का स्तर हमें देखने मिल सकता है M6 कॉपर में। वहीं जिंक में भी हमने भारी गिरावट देखी है और उसके साथ ही 266-267 तक के भी लेवल देखे। ऐसा लगता है कि ये गिरावट जारी रहेगी और आने वाले दिनों में 261 से 260 तक के दाम भी हमें देखने मिलेंगे। 273 के नीचे जब तक प्राइजेस रहेंगी तब तक सेल ऑन रिलीज करके चला जा सकता है। वहीं अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमने क्रूड में भी देखी है। कच्चा तेल हमने देखा कि 7,300 के स्तरों को जो जुलाई वायदा है वो छुआ था। 90 डॉलर के करीब के लोज हमने WTI क्रूड में बनते हुए देखे हैं। तो पिछले हफ्ते जो गिरावट का रुख था वो जारी रहा और इस बार ऐसा लगता है कि 90 डॉलर प्राइजेस ने छुआ है और उसके बाद स्टेबल हुई है। तो आने वाले हफ्ते में, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल बहुत मिक्स्ड है, जहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि रशिया से अब भी जो एनर्जी का सप्लाई है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। हालांकि चीन और भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय देश हैं, वो इंपोर्ट काफ़ी हद तक लिमिट कर चुके हैं। US बंद कर चुका है रशिया से, तो इसके चलते रशियन जो क्रूड है जो करीबन 2.5 से 3 मिलियन बैरल एक प्रतिदिन हुआ करता था उसका सप्लाई, वो क्योंकि कम हुआ है और बाकी जगहों से लिमिटेशंस है, इसलिए फिज़िकल मार्केट टाइट है। लेकिन क्योंकि मार्केट यूरोप में, US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी जगहों पे रिसेशन या बहुत बड़े ग्लोबल स्लोडाउन की एक आशंका मार्केट में डिस्काउंट हो रही है, उस वजह से फ्यूचर्स मार्केट जो है, जो वायदा बाज़ार है, वहाँ पर हमें कच्चे तेल में गिरावट का रुख देखने मिला है। इसलिए मार्केट यहाँ पर बड़े बैकवर्डेशन या उल्टा बदला जिसे कहते हैं वो हमें देखने मिला है, करीबन 2.5 से 3% का जो ऐसा लगता है बना रहेगा। तो आगे आने वाला रुख ये है कि जब तक 90 डॉलर नहीं तोड़ पाता, क्योंकि फिक्स्ड जो फंडामेंटल्स है वो मिक्स्ड है, यानी अभी भी फिज़िकल मार्केट टाइटनेस बनी हुई है, तो यहाँ से ज़्यादा नीचे इमीडिएट तौर पे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमने प्राइस को एक्चुअली रिकवर होके 98 डॉलर के करीब की क्लोज भी आते हुए देखा है। ऐसा लगता है कि उठा पटक बहुत रहेगी तो उसके लिए तैयार रहना ज़रूरी है। हो सके तो ऑप्शंस के थ्रू प्ले किया जा सकता है फ्यूचर्स के बदले जो ये मूव है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बड़ी गिरावट पे एक बार लेना सही रहेगा जब तक 90 डॉलर का लेवल होल्ड कर रहा है। और अपसाइड में हमें दोबारा एक एवरेज लेवल 103 से 104 डॉलर तक WTI क्रूड या जो M6 पैरिटी का जो क्रूड होता है वो जाता हुआ दिखेगा। M6 पर हमें हो सकता है कि 8,100 से 8,200 तक कच्चे तेल का दाम जाता हुआ देखे। ये व्यू तब तक बना रहेगा जब तक 7,200 के नीचे प्राइसेस नहीं फिसलती और डेली क्लोजिंग एटलीस्ट नहीं दे पाती। वही नेचुरल गैस में हमने पिछले हफ्ते तेज़ी की संभावना जताई थी। हमने देखा कि एक या दो बार बड़े उछाल देखने मिले हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते का क्लोज 480 के आसपास आया था। हमने 540 से 45 तक की बात की थी, वो टारगेट अच्छी तरह से मीट हो गया। उसके बाद बड़ी गिरावट भी देखने मिली 510 से 11 तक, और उसके बाद दोबारा हमने तेज़ी के साथ बनते होते हुए देखा है बाज़ार को 530 के ऊपर। आने वाले दिनों में
एक दायरे का कारोबार हो सकता है 555 से लेकर 510 या 500 के बीच, लेकिन आने वाले एक महीने से डेढ़ महीने की अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि एक इमीडिएट बेस बन चुकी है। 470 के नीचे दाम जाना डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसलिए जब भी बड़ी गिरावट हो 500 या 490 तक की तब बाय किया जाना चाहिए। और 570 से 75 तक के इमीडिएट टारगेट और एक्सट्रीम केस में 600 तक के भी लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। साथ ही साथ अमेरिका में जो हरिकेन सीज़न है वो पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहने की संभावना जता रहे हैं वहाँ पर जो वेदर रिपोर्टर्स हैं, तो इस वजह से एक उछाल, हमें बड़ा उछाल नेचुरल गैस के दाम में देखने मिलेगा। हालांकि अभी तक मैं समझता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग का जो दौर है वो ज़्यादा हावी रहेगा, क्योंकि हमने 750 से लेकर लगभग 425 तक काफ़ी बड़ी एक गिरावट देखी गई थी प्राइजेस में, और उसके वजह से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखा जा रहा है फिलहाल। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ है उनमें आने वाले दिनों में क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद।